Hey guys, तो आज ये मेरे पास है Samsung Galaxy A33 5G। इसका एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन उसमें रिव्यू नहीं था। इसको अभी मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने तक यूज कर लिया है। आप सबको पता है कि A सीरीज की प्राइस जो है वो कहां पे जा चुकी है, लेकिन ये जो फोन है वो अराउंड 24,000 की प्राइस रेंज में बहुत कुछ स्पेशल लेके आता है, जैसे OIS, IP रेटिंग, लेटेस्ट UI, 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और बहुत कुछ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्दो हमारे पास 25,000 की प्राइस रेंज में बहुत सारे ही ऑप्शन है, लेकिन ये वाला जो है ना वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो डिजाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये पीच कलर में है और ये एक प्लास्टिक बैक फिनिश के साथ आता है। इसकी जो इन हैंड फील है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है और लुकिंग वाइज ये बहुत ही ज्यादा सेक्सी है। प्लास्टिक फ्रेम्स के साथ आता है, लेकिन डेफिनेटली प्रीमियम तो दिखता है। लेकिन जब आप फ्रंट की साइड जाओगे ना, थोड़ी सी प्रीमियम नहीं ऐसी यहाँ पे घटती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको वोटेड ड्रॉप नोज देखने को मिल रही है। और आगे की तरफ जो प्रोटेक्शन इस पे यूज हुई है उसमें बहुत सारे स्क्रेचेस आते हैं, क्योंकि मैंने इसको 2 महीने तक यूज किया है। कई बार ऐसे जेब में चाबी वाबी भी होती है ना, तो उसके साथ एकदम मस्त ये लव ट्रायंगल बना लेता है, जिसकी वजह से कई मेजर स्क्रेचेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगा के इसको यूज करना। बाकी 25,000 में जितने फोन आते हैं ना, उनमें से गुड लुकिंग फोन ये भी है। इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन Realme 9 Pro Plus, उससे थोड़ा सा मोटा है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको 186 ग्राम का वेट और 8.1 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है। दूसरी स्पेशल चीज, यहाँ पे आपको IP67 सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। ये फोन जो है ना, इसके साथ आपको किसी प्रकार की पॉलीथीन या फिर वाटरप्रूफ बैग बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पानी में डुबकी लगा सकता है और 1 मीटर तक 30 मिनट तक रह के टक से वापस आ सकता है। और जहां पे आईपी सर्टिफिकेशन की बात आ जाती है, हमारे मजे डबल हो जाते हैं। डेफिनेटली हमने हर फोन को ट्राई कर रखा है और इसके साथ भी मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन एज इट इज वैसा वैसा चलता रहता है। हाँ, जैसे आप टेस्ट वेस्ट करने के लिए या फिर बहुत देर पानी में डालोगे तो कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि स्पीकर कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाए या फिर जो माइक है वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाए, लेकिन 3-4 घंटे बाद आपको बैक टू नॉर्मल वाली फील आने वाली है। और तीसरी चीज, इसका डिस्प्ले, यहाँ पे आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। हाँ, इस प्राइस रेंज में आने वाले जैसे Realme 9 Pro Plus मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका कंपैरिजन भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा। लेकिन इसकी जो कलर ऑप्टिमाइजेशन है ना वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि डेफिनेटली Samsung का पैनल यूज हुआ है और इसके जो पॉपी कलर निकल के आते हैं, जो डिटेल्स है ना, वो बाकी कॉम्पिटिशन से डेफिनेटली ज्यादा है। हाँ, थोड़ी सी नोच बीच में आ सकती है, लेकिन उसकी भी आपको कुछ टाइम बाद आदत हो जाएगी। और उसके बाद जो डिटेल्स है, साइड व्यूइंग एंगल्स है, जो ब्राइटनेस है, वो आपको कहीं भी कुछ कमी फील नहीं करवाने देगी, वो बहुत ही कमाल है। और डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मेजर स्क्रेचेस आपको जो दिख रहे हैं वो नॉर्मल जेब में डालने की वजह से ही आए हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है आई डोंट नो, मैंने अभी तक किसी फोन में ऐसा नहीं देखा है। और इसी के साथ ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz की हाई रिफ्रेश रेट को लेकर आती है, जो डेफिनेटली फास्ट तो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि प्रोसेसर में थोड़ी सी जान और होती तो और ही ज्यादा मजा आ जाता। और मल्टीमीडिया को और ज्यादा तंदुरुस्त बनाने के लिए यहाँ दोनों तरफ आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, और जिनकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। एक बार आप भी सुन लो। जो क्लियरिटी है वो डेफिनेटली आपको फील होने वाली है। और बाकी जो अपना अगला पॉइंट है वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। डेफिनेटली इस टाइम में एंड्रॉइड के इस मामले में आपको जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है वो UI है। UI 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 बिल्कुल लेटेस्ट। और एक चीज और है जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं, और वो है 4 साल के अपडेट्स, 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट, 4 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस प्राइस रेंज में कोई एक सिंगल फोन नहीं है आपको जो इतना ज्यादा ऑफर कर रहा हो। और बाकी UI सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको नोक्स भी देखने को मिलेगा, इसी के साथ आपको Samsung Pay Mini भी देखने को मिलेगा, इसी के साथ सिक्योर फोल्डर भी देखने को मिल रहा है, और सारी की सारी जो ई सीरीज से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो सब कुछ इसमें एकदम फाड़ के डाला गया है। और अगला इसका जो हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका कैमरा, 48+8+5+5। अब यहां पे आपको OIS भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये 4K में काम नहीं करेगा, ये आपको 1080p 30fps में काफी ज्यादा स्टेबल फुटेज प्रोवाइड करेगा। बाकी ये जो फोन है वो सेल्फी में भी 4K सपोर्ट करता है, जो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की चीज है। और आज के टाइम पे जब 1080p से कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, तो बहुत ही कमाल हो जाता है। बाकी 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड जो देखने को मिल रहा है उसमें भी क्वालिटी काफी सही आ जाती है, डायनेमिक रेंज को काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा कमाल है, लेकिन इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी फुटेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4K 30fps मैक्रो कैमरा भी ठीक है, लेकिन आप प्राइमरी से लेके उसको कट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आप समझ लो कितना अच्छा है। जो प्राइमरी कैमरा है वहां पे आपको काफी अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। सेल्फी कैमरा थोड़ा सा एवरेज है, USD 30
लेकिन बैक कैमरा से काफी अच्छे फुटेजेस आप ले पाओ। और इस फोन के साथ आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 25W ऑफ फास्ट चार्जिंग। हाँ, फास्ट चार्जर जो इसके साथ लगेगा वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स तो स्लिम ट्रिम सा है, काफी पतला सा बॉक्स आपको देखने को मिलता है। इसके लिए आप अनबॉक्सिंग वीडियो देख ही सकते हो। लगभग 65-70 मिनट में ये 0-100% आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है और जो आपको बैटरी बैकअप मिलेगा वो अराउंड 1.5 दिन का मिल जाएगा काफी आराम से। बाकी आप इसमें 4K वीडियो कंटेंट प्ले कर सकते हो, मतलब HDR10+ देखने को मिल जाता है, वाइड वाइन एल्बम भी देखने को मिल जाता है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब जो आपको प्रोसेसर बेस्ड कमी जो देखने को मिलती है ना वो आपको गेमिंग में फील होगी। गेमिंग में आपको 30 FPS से ऊपर गेमिंग ये प्रोवाइड करा ही नहीं सकता क्योंकि सैमसंग के फोन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ओवरऑल आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे लेकिन गेमिंग में वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी नहीं कर सकते। और ये भी बिल्कुल उसी ट्रैक पे चल रहा है। बाकी कुछ जरूरी चीजें जैसे NFC, ब्लूटूथ 5.1 सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। 3.5mm का जैक नहीं है, डेफिनेटली होना चाहिए था, होते तो और ज्यादा मजे आ जाते। बाकी ओवरऑल ऐसा है कुछ Samsung Galaxy A33 5G। बाकी आपको अगर इसका Realme 9 Pro Plus के साथ कंपैरिजन चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ये वीडियो ये भी कहां जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में। तो as usual have a fantastic day। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए